वेलकम बैक गाइस। तो गाइस सब कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। तो गाइस आज वो दिन आ गया है जिसका मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, तकरीबन पूरे एक साल से। और आज है 18 जून, तो आज हम टूर के लिए निकल रहे हैं अपने सरदू के ट्रिप के लिए। और मैं आप लोगों से कुछ अपनी चीज़ें शेयर करना चाह रहा था, जिसमें मेरा ड्रोन है और मेरे कुछ कैमरा के एक्सेसरी, मेरा लैपटॉप है जो मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। और आए मैं आपको अपनी चीज़ें दिखाता हूँ। तो गाइस ये अपना देख रहे हैं सामान किस तरह मैंने बिखेरा हुआ है, और ये आ गया अपना ड्रोन, ठीक है। ये ड्रोन का डब्बा, ये साथ में एक मैं चीन माउंट एक्स्ट्रा साथ में कैरी कर रहा हूँ, ठीक हो गया। और एक ये है यू ग्रीन का 150 वाट का चार्जर, जिसमें ये 100 वाट की 3 स्लॉट्स हैं। और एक ये हो गया, उसके बाद एक अपना ये 13 प्रो मैक्स है 1 TB, ये लेके जा रहे हैं। और साथ में एक छोटा फ़ोन ये भी कैरी कर रहा हूँ मैं, और 4 TB की हार्ड ड्राइव है एक, ये भी लेके जा रहा हूँ साथ। एक ये टेलीसन का चार्जर है जिसमें 3 GoPro Hero 10 की बैटरीज हैं, बाकी ये एक ये GoPro का डिब्बा है। और एक ये 20,000 mAh का एक ये है अपना पावर बैंक, और एक सैमसंग का है 10,000 वाट का। और ये रहा अपना GoPro Hero 10, जिसमें आपको पूरा सरदू के नज़ारे दिखाते हैं। और ये अपना 10 बैग है, ये न्यू गार्ड है, और इसका तो दिखा दिया होगा, ये 4 TB की हार्ड ड्राइव है। बाकी इसमें कुछ मास्क हैं जो मंगवाए थे चाइना से ही, मैंने इसको ऑर्डर करवाया था। बड़ी मज़े की चीज़ें, बड़े अपना कमाल के हैं, समझ में पहनने वाले हैं। और बाकी ये अपना टैंक बैग है, इसमें बाकी कुछ सामान इसमें कैरी करूँगा, कुछ टॉप बॉक्स में कैरी करूँगा। और ये रही अपनी बाइक लाल बादशाह। तो गाइस जो सबसे मज़े की चीज़ है ना, मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये, ओए होए यार, ये अखीर है, मैं कह रहा हूँ ये अखीर चीज़ है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये फारिग है, ये यार आला चीज़ है ये यार। ये तकरीबन यकीन माने कुछ 2 महीने का इंतज़ार करवा कर अब ये आया मेरे पास, ठीक है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ खोल कर इसको, मैं कहता हूँ इसको नीचे रख कर ना आप चले जाएँ अमेरिका चले जाएँ, ये चेक करें। ओए होए होए यार, मज़े की चीज़ है ये, कमाल की। इसके साथ आप थकेंगे नहीं, इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा जब आगे जाऊँगा, तो फिर आपको दिखाऊंगा कि भाई इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आप कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो गाइस इस वक्त हम PSO के पेट्रोल पंप पे हैं, और बारिश वाला सीन है, इस वजह से GoPro से वीडियो नहीं मैं बना पा रहा। तो आगे जब बारिश यहाँ पर ख़त्म होती है, वहाँ पर जाके GoPro ज़रूर ऑन करूँगा मैं अपना, ताकि आपको आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ मैं। तो चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। तो गाइस सब कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। तो गाइस अभी हम तकरीबन पिंडी से 90 किलोमीटर से पहले हम एक जगह पे रुके हुए हैं, और यहाँ पे एक दोस्त था जो हमारा इंतज़ार कर रहा था, जिसको अपने साथ लेके जाना है हमने सरदू के लिए। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं जो बॉयज़ की इस वक्त जो सूरत हाल है, ये देखें भट साहब, बस थक गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। बट अभी स्टाइल कौन सा आपका? इट्स अ गैंगम स्टाइल। इट्स अ गैंगम स्टाइल। इट्स अ गैंगम स्टाइल, है ना? वो देखें मेरा दोस्त, मेरे जिगर, इसे तो रेस्ट कर रहे हैं। और गाइस ये देखें सामने व्यू, वो पहाड़ों पे देखें, सूरज देखें कैसे सनशाइन हो रहा है, और बहुत ही प्यारा मौसम इस वक्त हुआ हुआ है। और ये सारी अपनी बाइक्स हैं, ये इमरान भाई बैठे हुए हैं। इमरान भाई कैसा लग रहा है? बाकी स्पीड बाकी हम लोगों ने मारी इस दफ़ा। बाकी ये एक जगह है, यहाँ पे हमें जो चाय पिलाई गई है जो हमारे दोस्त थे, और ये था खैबर, हाँ खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट है एंड बारबेक्यू, और इनकी चाय बहुत मज़े की थी। बाकी गाइस आपको आगे चल के दिखाते हैं जो जो हमारे साथ जगह से हम गुजरेंगे, तो आपको उसकी वीडियोस दिखाएंगे।
जैसे ही आगे चलते हैं रावलपिंडी की तरफ, उससे आगे फिर एबटाबाद, फिर मानसरा, फिर बालाकोट, तो वैसे आपको व्यू दिखाएंगे क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ दिखाने को इसके अलावा है नहीं, क्योंकि जीटी रोड आपने बहुत दफ़ा पहले देखा हुआ है। तो चलें चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। तो गाइस अभी हम इधर रावलपिंडी में एंटर हो गए हैं और ये भाई हमें हमारे साथ आए थे, अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। बिल्कुल, और बड़े ही कमाल के बंदे हैं ये, इन्होंने हमें वहाँ पे चाय वगैरह पिलाई है और हमारी मेहमान नवाज थे बड़े ये, और इंशाल्लाह आपके साथ कभी ज़िंदगी रही तो टूर ज़रूर करेंगे। यहाँ से हम मुजम्मिल भाई कौन सा रूट हम यूज़ करेंगे यहाँ से अब? ठीक हो गया। तो गाइज अभी हम जो रूट यूज़ करने लगे हैं नारान की तरफ जाने का, वो करेंगे हम यहाँ से टेक्सला, और टेक्सला से जी जी फेरिंग नहीं होगा जब तक एक जगह पे इकट्ठे होकर फिर होगा ये। तो गाइज बाकी मौसम जो रात को हमें मिला है बहुत ही मज़े का मिला है। जब हम वहाँ लाहौर से जब हम निकले हैं शाहदरा से, तो बिल्कुल अपना स्लो बारिश हो रही थी, हमें यही था एक्सपेक्ट के आगे तेज़ बारिश मिलेगी, लेकिन ऐसा सीन नहीं था। लेकिन मौसम बहुत ही इंजॉय वाला था और हम इंजॉय करते हैं, ठंडी हवाएँ खाते हैं, और अब देखते हैं आगे हमें गर्मी मिलती है या उसी तरह की मौसम मिलता है। उम्मीद तो है कि यही कि अभी ये बारिशों वाले दिन हैं, कि एम हमारा ये है कि काश हमें बाबूसर टॉप पे लाइव स्नो का देखने का मौका मिल जाए, क्योंकि बड़े सालों से मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे बाबूसर टॉप पे स्नो का मिले चांस हमें देखने का। तो अभी देखते हैं कि क्या हमारे साथ आगे बनता है। बाकी मेरे साथ अभी जो मौजूद हैं मुजम्मिल भाई हैं और बिलाल हैं और एक अहमद लड़का है हमारे साथ जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जा रहा है टूर पे। तो बाकी लड़के जो हैं वो आगे चले गए हैं, तो उनको अब वहाँ पे जाके ज्वाइन करते हैं, वो यकीनन हमारा वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होंगे। तो गाइस बॉयज़ हमारा यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, और बुग्गा जी अभी से गर्मी स्टार्ट कर रहे हैं। मौसम इस वक्त बहुत ही मज़े का हो रहा है, कभी धूप आ रही है और कभी छांव आ जाती है। जालिम व्यू बन गया है यार। अनबूड डैम ये पानी तो सूख गया हुआ सारा। ओए गाइस क्या व्यू है इस वक्त। ठीक होंगे और अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। तो गाइस अभी इस वक्त हम एबटाबाद में पहुंच गए हैं, और वेदर की कंडीशन ये थी कि पीछे हम ये हरिपुर से आए हैं, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और आप ये देख सकते हैं अभी भी मेरे ये ग्लव्स वगैरह और कपड़े मेरे गीले हुए पड़े हैं। तो अब सीन ये है कि हम अब जा रहे हैं नारान की तरफ, इस वक्त हम एबटाबाद में, और आगे आपको दिखाते हैं मानसरा और बालाकोट के सूरतयाल के वहाँ पे वेदर कैसा है। तो गाइस प्लान अपना ये है कि जलकट में जाके स्टे किया जाए, लेकिन अब वेदर की कंडीशन पे डिपेंड है कि अगर तो बारिश वगैरह हमें मिली तो फिर हम सोचेंगे कि मांदरी में ही स्टे कर लें, और बाकी देखते हैं आगे जाकर के क्या सूरत हाल है आगे की। गाइस आपको बताना था कि इस रोड का यही हाल है एबटाबाद में, जब भी यहाँ से गुजरते हैं नारान की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ट्रैफिक हमें 100% मिलती है, और अभी भी वही हाल है।
को और नज़ारे देखें, ग्रीनरी। अभी ये माप्टा पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं और ये हम जा रहे हैं मानसर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो गाइज अभी यहाँ से हमने चाय पी है और यहाँ से हम जाने लगे हैं नारान की तरफ। शुक्र है कि धूप निकली है, वरना हम तो सारे भीगे हुए हैं इस वक्त। मैं एक्चुअली लेके नहीं आया रेनकोट वगैरह अपना, तो शूज़ वगैरह भी सारे गीले हैं और कपड़े भी अब सूख जाएंगे गर्मी में, धूप निकल आई है। बैक गई तो गाइज यहाँ से ये सारा मानसरा देखें आपको नज़र आएगा। और हाँ भाई, यहाँ पे किस साल में वो जलजला आया था? तो मैं करूँ, बहुत ही प्यारी जगह ये। और यहाँ से देखें, यार आला लग रही है जगह। गाइस सीन ये है कि इमरान भाई को नींद आ रही है क्योंकि हम रात का सफ़र कर रहे हैं, और हमने कहा चले थोड़ी देर यहाँ पे इनको स्टे करवा दें ताकि उनको जो नींद के झोंके आ रहे थे वो इनके कम हो जाए। तो गाइस ये बालाकोट की जो चढ़ाइयाँ हैं, ये हम उतर रहे हैं और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और रश भी काफ़ी है इस वक्त। गाइज इस वक्त अपनी बस हुई पड़ी है, कल तकरीबन 12 बजे के हम निकले हुए हैं और तकरीबन टाइम 2:30 का टाइम हो गया होगा। और अभी हम बालाकोट की चढ़ाइयाँ नीचे उतर रहे हैं और तकरीबन मेरे से 12 किलोमीटर रह गया बालाकोट यहाँ से। बहुत ज़्यादा इस वक्त थक गए हैं और बस ये चाह रहे हैं कि रूम मिल जाए और रेस्ट करें। बाकी ये वीडियो आपको पसंद है तो काइंडली प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस जब हम बालाकोट में एंटर होते हैं तो हमें फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है कि यार नारान का गान कितना प्यारा होगा, तो यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है नारान का गान की, क्योंकि ये फेरी मेडोज है ऊपर। बालाकोट का बाज़ार और यहाँ से अब हम ब्रिज से होकर उधर जाना है हमने, उधर उसके ऊपर। हाँ चेक करें पानी, सुभान अल्लाह क्या खूबसूरती है मेरे अल्लाह पाक की। ओए होए जालिम व्यू है यार। उधर चेक करो बादल किस तरह यकदम से आ गए हैं। ए भाईजान हैवी बारिश है। गाइस आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि चेक करें आप वेदर, देखें इस तरफ। ओए होए होए यार जालिम अखीर हुआ हुआ है और सर्दी भी काफ़ी हुई हुई है। बिगो अलिया भाई, 4x4 गाड़ी है, फर्क ही नहीं है उसको। भाई नज़ारे देखें आप, हर तरफ नज़ारे ही नज़ारे हैं। भाई सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, ये देखें ये बर्फ है बिल्कुल, यहाँ पे तेज हो गया। सुनो ये अली देख लो, तुम्हारा भाई मिल गया मुझे यहाँ पे।